नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। जंगल में पेड़ से लटका मिला दो दिन से लापता युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। उनियारा झुंडवा ग्राम पंचायत के रोहित ग्राम निवासी हरिभजन का शव महमूद नगर के पीछे स्थित जंगल के अंदर पेड़ से लटका हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिभजन गुर्जर पुत्र छोटू गुर्जर आयु 30 वर्ष निवासी रोहित 6 मार्च को दोपहर अपनी पत्नी को छोड़ने ससुराल गया था, जिसके घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उनियारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसकी तलाश कर रहे थे। आज सुबह बुधवार को महमूद नगर के पीछे के जंगल के अंदर चरवाहे को हरिभजन का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया। सूचना पर उनियारा और शोप थाना प्रभारी और उनियारा पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद मौके पर पहुंचे। टोंक में एसएफएल टीम के उपलब्ध न होने के कारण एसएफएल टीम को सवाई माधोपुर से बुलवा कर साक्ष्य उठाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां उनियारा चिकित्सालय के सामने परिजनों ने मृत्यु को हत्या और लूट बताते हुए तुरंत कार्यवाही और अन्य मांगों को लेकर रास्ता जाम के दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भैरव सिंह, कार्यवाहक उपखंड अधिकारी उनियारा गिरधर, डीवाईएसपी टोंक साले मोहम्मद, बनेठा थाना प्रभारी हेमराज, नगरफोर्ट थाना प्रभारी अर्जुनलक्षिका सहित लाइन का जाप्ता मौके पर पहुंचे। दो घंटे की बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच प्रमुख तीन मांगों व दोषियों की 7 दिन में गिरफ्तारी, पत्नी को विभागीय पदोन्नति और मुआवजे की मांग पर प्रशासन ने उचित कार्यवाही आश्वासन दिया। पूरा परिवार तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर मैं आपसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पहले आप आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, फिर उसको पकड़ के लेके आना पड़ेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके और जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग बैठ जाओ ताकि इनकी आवाज पीछे जो अपराध हुआ है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है उसकी कार्रवाई की गारंटी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, ये सारे मिलके दे रहे हैं कि जो भी होगा, जितना जल्दी है, जो भी अपराधी रहा होगा या जिस तरह की घटना रही होगी, उसका जल्दी से जल्दी खुलासा करके जो भी था उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। उसमें किसी तरह की कोताही, कोई लापरवाही, कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, इस पे प्रशासन ने अपनी जो डिमांड रखी है, संघर्ष समिति जो है इसकी, पंच पटेलों ने मिलकर के, तो उस पर सबसे पहला बिंदु तो ये था कि इसमें 24 घंटे जो है उसमें मर्डर को खोला जाए। तो प्रशासन ने इसमें 7 दिन के लिए कहा कि हम 7 दिन में इस पर कार्रवाई कर देंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर गांव वाले और जो संघर्ष समिति के लोग हैं, पंच पटेलों मिलकर दोबारा आकर के और अपना राइट जो है उसको कर सकते हैं, तो हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, इस तरह से बात हुई पहला बिंदु से। दूसरा ये था कि इस पर जो महिला है, जो मृतक है, उसकी पत्नी को सहायिका है इसमें, महिला बाल विकास में, उसके प्रमोशन को लेकर है, तो उन्होंने CDPO को अविलंब टेलीफोन करके और प्रपोजल बनाने के लिए बोल दिया है। एक 302 में जो मर्डर है वो उन्होंने अभी कर लिया है, रजिस्टर कर लिया, रजिस्ट्रेशन FIR दर्ज कर लिया। हाँ, इसके अलावा जो सहायता है इसमें हमारे 50 लाख की सहायता के लिए पंच पटेलों ने अपनी मांग रखी थी, गांव वालों ने, परिवारजनों ने, उस पर उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है उसके लिए हम लोग राज्य सरकार और जिला प्रशासन, जिला SP और उनकी कमेटी बनी जिला न्यायाधीश की, उनके सामने रखेंगे और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस पर जो भी संभव होगा उस पर करेंगे। इस तरह से एक सहमति बनी है, अब उसको पोस्टमार्टम किया जा रहा है। थाना अंतर्गत अभी रोहित गांव में कोई घटना हुई है फांसी पर लटकने की, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये हरिभजन है, फांसी से, ये पेड़ से फांसी से लटके हुए, अपने मफलर से फांसी से लटके हुए मिले हैं।
तो इनको डेड बॉडी तो यहाँ अस्पताल के पास ले आए हैं। इनके परिजनों की कुछ मांगे हैं जिनके बारे में वार्ता चल रही है। इनका ये कहना है कि एक तो इनकी पत्नी कोई आंगनबाड़ी जैसे कोई कार्य करती है, वो बहुत छोटे पद पर है, उसकी पदोन्नति हो जाए, ऐसी इनकी एक मांग है। दूसरा इनका है कि फाइनेंस में काम करता था, हो सकता है एक आधे दिन का कोई वित्त इसके पास रहा हो, तो फाइनेंस में जिसमें काम करता था वो लोग भी यहीं हैं, इनसे भी हमने बात करी है कि वो मानवीय आधार पर कोई ऐसा अगर इसमें कोई पैसा बाकी हो और ये छूट दे सकते हों तो वो वार्ता भी इनकी चल रही है। क्या परिजनों ने इसके हत्या का अंदेशा को लेकर कोई? इन्होंने हत्या की और ऐसी कोई रिपोर्ट दी है जो हमारे यहाँ दर्ज हो रही है। जो रिपोर्ट दी है मजमून के आधार पर हम 302 लगा के अभियोग दर्ज कर रहे हैं। अब इनसे इनके समाज के लोगों से क्या बात? इन्होंने कहा है कि जो भी इनके को मारने में इसकी हत्या में जो लिप्त हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, तो हमने इनको आश्वासन दे दिया है अनुसंधान से जो हमारे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। शुभ नाम सर? भवानी सिंह, एडीसी SP हेडक्वार्टर।